एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट एबीसी फिगर 7.18, शो दैट सीडी बाइसेक्ट्स एबी। तो मुझे क्या करना है, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि सी फिगर 7.8, इसका 7.18 इसका मतलब क्या है, ये फिगर मुझे दे रखी है, तो सबसे पहले फिगर बना लूंगा जो दे रखी है, एज इट इज फिगर बना लूंगा। तो ये है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो एडी और बीसी जो है ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाली साइड ये इक्वल दे रखी है क्वेश्चन, पहली चीज तो ये। दूसरा परपेंडिकुलर्स हैं तो 90 डिग्री ये दे रखा है, और बस इतना ही है हमारे पास, हमें प्रूव करना है टू प्रूव मुझे प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB, ये वाली जो लाइन है ना CD, ये वाली लाइन CD ये इस लाइन को काट रही है, मतलब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और लाइन किसी को भी बाइसेक्ट कब करती है, एक लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कब करती है, जब हम ये बोल देते हैं कि हाँ ये वाला हिस्सा OB और AO ये दोनों इक्वल है, हमको क्या प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB, CD AB को बाइसेक्ट करती है, मतलब AO is equal to BO, ये चीज प्रूव करनी है। तो टू प्रूव CD बाइसेक्ट्स AB, ये समझ में आ गया जो मैंने बोला आपको, CD बाइसेक्ट्स AB मतलब मुझे ये प्रूव करना है, इज दैट वी हैव टू प्रूव दैट AO इज इक्वल टू BO, ये चीज प्रूव करनी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें करना क्या पड़ेगा। देखिएगा, अब दो ट्राइंगल्स लेकर चलने पड़ेंगे, ट्राइंगल सी बी ओ एंड ट्राइंगल डी ए ओ, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल सी बी ओ एंड ट्राइंगल सी बी ओ एंड ट्राइंगल डी ए ओ एंड ट्राइंगल डी ए ओ, ये दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, और फिर ये कहेंगे हम कि CB is equal to DA, ये गिवन है, CB is equal to DA ये गिवन है मुझे, पहली चीज। उसके बाद एंगल CBO is equal to एंगल DAO, एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और कॉमा करके लिखते हैं ना गिवन, कि ये चीज भी गिवन है कि दोनों के दोनों इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, ये भी गिवन है। उसके बाद अगली क्या चीज मेरे को दे रखी है ये बताइए, अगला कुछ दे रखा है क्या? देखो राइट एंगल हो गया, इसमें भी राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है, ये हो गया, एक साइड हो गई DA और CB, एक साइड हो गई, लेकिन हाइपोटेन्यूज का भी इक्वल होना जरूरी है, मतलब DO इज इक्वल टू CO, इनका भी तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ही हाइपोटेन्यूज बोलते हैं,
अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा तभी मैं बोलूंगा कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? यस सर, यस सर। लेकिन हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं दे रखा है तो इसका मतलब आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नहीं लगेगा। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के लिए तो राइट एंगल होना चाहिए हाइपोटेन्यूज और साइड, तो राइट एंगल आ रहा है साइड आ रही है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं आ रहा, वो नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे कुछ और देखते हैं। तो मैं ये कहूंगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा बताइए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिल्कुल, एंगल COB, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल DOA, एंगल DOA। रीजन में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, वर्टिकली अपोजिट है दोनों के दोनों इक्वल हो गए। तो अब ये देखिएगा एंगल, उसके बाजू में एंगल और ये साइड, तो एंगल एंगल साइड, इसी तरह से यहाँ पर भी एंगल, ये वाला एंगल और ये साइड। देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड डबल एएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया by double AS congruence criteria triangle CBO is congruent to triangle DAO, triangle DAO। बताइए जी इतना समझ में आ गया? Yes sir, yes sir। अच्छा अब मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो AO है और ये BO, ये दोनों के दोनों इक्वल है, ये चीज प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या लेकर चलेंगे? जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका पहला दूसरा अल्फाबेट सी बी, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट ये, ठीक है, सेमी कॉलन, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट ईओ, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट ईओ, सेमी कॉलन, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट सीओ, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट डीओ, ये सारे इक्वल आ गए। रीजन में क्या लिखोगे? बाय सीपीसीपी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मुझे तो AO इज इक्वल टू BO प्रूव करना था, तो मेरे काम की तो ये वाली चीज हो गई। देयरफॉर AO इज इक्वल टू BO एंड प्रूव्ड। बताइए सबको क्लियर? यस सर, यस सर, अनमोल, यस सर। अनमोल आज ऑनलाइन नहीं है, आदित्य, अक्षत, यस सर, क्लियर है बेटा दोनों को? यस सर। इंद्रप्रीत, यस सर, योग, यस सर, अन्नी, अन्नी किधर है? अच्छा अन्नी सिस्टम ऑन करके भाग गया इधर उधर, ओके चलो। दिव्यांशी, न्यासा, प्राजक्ता, तीनों को क्लियर है? यस सर, चलिए ठीक है। अभी तक आया नहीं है ये, सिस्टम ऑन करके भाग गया पक्का। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अन्नी, यस सर, सिस्टम ऑन करके भाग गए थे ना? नहीं। अच्छा तो आवाज नहीं आ रही होगी, वो उसी टाइम पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई होगी तुम्हारे यहाँ पर। सर आपने पूछा आगे समझ, मैंने हाँ भी बोला था। ओ अच्छा अच्छा, तो मुझे सुनाई नहीं दिया, ओके ओके माय फॉल्ट। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, सी फिगर 7.19। फिगर दे रखी है मुझे, तो पहले जो फिगर दे रखी है एज इट इज उसको देख कर मैं फिगर बना लूंगा। देखिएगा एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, एक लाइन है L, दूसरी लाइन है M, ये L है और ये M है, फिर एक लाइन है P और एक लाइन है Q।
ये वाली जो लाइन है ये है पी और ये दूसरी वाली जो लाइन है ये है क्यू। पी और क्यू ये दे रखा है। इन्होंने बोला है कि एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। ये जो एल है और ये एम है ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये जो पी है और ये क्यू है ये दोनों आपस में पैरेलल है ये दे रखा है इसमें। अच्छा show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. To prove triangle ABC is congruent to triangle CDA, ये चीज मुझे prove करनी है। बस ये triangle दे रखा है ना, इसी से बहुत कुछ कर लेंगे हम लोग। और बीच में इन्होंने क्या करा है कि एसी को ज्वाइन कर रखा है, ये बना रखा है ए बी सी डी। ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी और ये वाला पॉइंट है डी और ए और सी को ज्वाइन कर रखा है। अब प्रूव करना ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए ये करना है। तो जो प्रूव करना होता है उसी को मैं लिख लेता हूं, हेडिंग डालता हूं इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए ये हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बाद में अब मैं देखूंगा क्या क्या चीजों को मैं लेकर चल सकता हूं इसमें। ठीक है, सबसे पहले एबीसी में मैं ये वाला एंगल लूंगा, ये वाला एंगल और सीडीए का ये वाला एंगल। ठीक है, आप ये देखिएगा कि ये वाली लाइन जो है पी और ये वाली लाइन जो है क्यू ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस दे रखी है। ठीक है, अच्छा और ये जो लाइन है एसी ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एसी है ये एक तरह से ट्रांसवर्सल हो गई। तो एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है पी के साथ और एक एंगल ट्रांसवर्सल से इस तरफ बन रहा है क्यू के साथ, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए अल्टरनेटेड डिग्री एंगल। बताइए समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं एबीसी में एंगल ए है तो मैं इसको बोलूंगा बी ए सी एंगल बी ए सी is equal to, अब सी डी ए में एंगल सी है मैं इसको बोलूंगा डी सी ए एंगल डी सी ए। रीजन में लिखेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। याद रखना रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कॉमा करके लिखना सिंस लाइन पी इज पैरेलल टू क्यू। यहाँ पर मैंने कौन कौन सी पैरेलल लाइंस को लिया है कंसीडर करा है पी को और क्यू को, पी इज पैरेलल टू क्यू एंड एसी इज ट्रांसवर्सल एंड एसी इज ट्रांसवर्सल। तो ये ऑल्टरनेटिव डिग्री एंगल होगा। अगला मैं ये कहूंगा कि ये जो साइड एसी है ये ए बी सी में भी लाई करती है और सी डी ए में भी लाई करती है। AC is equal to AC ये हो गए कॉमन साइड। बताइए जी ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद देखते हैं कि अब अगर मैं L और M इन पैरेलल लाइंस को कंसीडर करूं L को और M को तो ये वाली जो लाइन है AC ये एल को भी टच कर रही है और एम को भी टच कर रही है। तो इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल ये वाला एंगल और ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखिएगा अब हम कहेंगे कि ए बी सी में ये वाला एंगल यानी कि ए सी बी एंगल
ACB is equal to CDA में ये वाला एंगल मतलब एंगल CAD, एंगल CAD ये भी हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिंस L is line, L is parallel to M and AC is transversal. बताइए ठीक है? Yes sir. ठीक, इसके बाद क्या हो गया? Angle, side और angle. इसी तरह से इस triangle में देखें, angle, side और angle. Projector clear है ये? Yes. Okay. By ASA congruence criteria, triangle ABC is congruent to triangle CDA. Triangle ABC is congruent to triangle CDA. यही prove करना था और हो गया तो. बोलिए सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. सर एक बार फिर से समझा दीजिए, मेरी नेटवर्क कनेक्शन हो गया था. अभी बता रहा हूँ. सर अच्छा सुनाई दे रहा है? हाँ. ओके ओके चलिए. अब देखिएगा इसमें क्या था कि मुझे ये दे रखा था कि L और M ये दो लाइंस पैरेलल है और P और Q ये दूसरी लाइंस भी, बाकी के दो पेयर ऑफ लाइंस ये भी पैरेलल है. तो मुझे क्या प्रूव करना था कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA, मुझे ये प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? मैंने ये बोला कि अगर मैं P और Q इन दोनों पैरेलल लाइंस को कंसीडर करूं, एक तो लाइन है P और दूसरी लाइन है Q, अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं तो AC जो है AC ट्रांसवर्सल हो गई, क्योंकि ये AC लाइन जो है P को भी टच कर रही है और Q को भी टच कर रही है. तो AC लाइन ट्रांसवर्सल के इस तरफ P वाली जो लाइन है इसके साथ ये एंगल बना रही है और Q वाली लाइन के साथ में ये एंगल बना रही है. तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा? एंगल BAC या CAB कुछ नहीं बोलो, बस A बीच में आना चाहिए. तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, एंगल BAC है. बताइए क्लियर है? उसके बाद अगला देखते हैं. अगला क्या है कि ये जो L लाइन है ये वाली और ये जो M लाइन है ये वाली, ये दोनों भी तो पैरेलल है मुझे. हाँ नहीं समझे? सर समझ गया. है ना, L और L, L और M जो है ये दोनों लाइंस में तो पैरेलल ले रखी है. तो अब आप ये देखो L और M दोनों को टच करने वाली लाइन ये जो AC है ये L को भी टच कर रही है और M को भी टच कर रही है. तो देखो ये AC L के साथ क्या एंगल बना रही है ये वाला, और ये जो लाइन है ये BC ये M के साथ, ये AC वाली जो लाइन है ये M के साथ इस तरफ क्या एंगल बना रही है ये वाला. तो ये एंगल ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया. तो वही मैंने बोला है कि ये एंगल क्या है ए सी बी, मतलब ये वाला एंगल ए सी बी हो गया और ये वाला एंगल क्या है सी ए डी, ये वाला एंगल सी ए डी हो गया. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ए सी ट्रांसवर्सल. बताइए ये क्लियर हो गया? यस सर. यस सर. बोलो प्रोजेक्टर क्या सर क्लियर है तुमको? यस सर. चलो जी अन्नी. यस सर. समझ में आ गया? हाँ. ठीक है चलो जी. तो अब ये हो गया हमारा एंगल
और फिर ये वाली साइड और ये वाला एंगल, तो एंगल साइड एंगल और ये भी एंगल साइड एंगल, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडी, ये तो प्रूव करना था सर. एसी इक्वल्स टू एसी लिखा है, एसी इज इक्वल टू एसी लिखा है. हां एसी इज इक्वल टू एसी, कॉमन है ना, कॉमन साइड, क्योंकि एसी जो है वो ट्रायंगल एबीसी में भी लाई कर रहा है और एसी साइड ट्रायंगल सीडी में भी लाई कर रहा है, ये साइड कॉमन साइड हो गई. बोलो. ओके सर. चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव में जो रखा है लाइन है इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी of an angle A and B is any point of L. BP and DQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. See figure 7.20. 7.20 figure दे रखी है, उसके हिसाब से करना है क्वेश्चन को. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 फिगर बनाते हैं सबसे पहले तो. ये पॉइंट गिवन है ए और ये जो बीच वाली जो लाइन है ये लाइन है एल अब इधर एक पॉइंट है एल लाइन पर एक पॉइंट है बी बी से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप किया गया 90 डिग्री ये पॉइंट है बी और बी से दूसरा परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप किया गया ये भी है 90 डिग्री ठीक है और एक पॉइंट है P इधर और एक पॉइंट है Q इधर और देखिए इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में दे रखा है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A ठीक है लाइन L जो है ना ये जो लाइन L है ये पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब बेटा ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल ये दोनों एंगल इक्वल है समझ गए ये दोनों एंगल यस सर ओके अनिकेत को आज कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है इसका मतलब मोबाइल गेम आज बंद है ओके चलो जी शो करना है सुन रहे हैं फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल एबीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्यूबी ट्रायंगल एबीबी is congruent to triangle AQB. ये चीज प्रूव कर दी है. अच्छा जो दो ट्राइंगल्स मुझे congruent प्रूव करने होते हैं मैं सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ वही लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल AQB. देखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल AQB. दो ट्राइंगल्स मैंने ले लिए ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एक्यूबी. अब एपीबी में हमारा एंगल एपीबी इज इक्वल टू दूसरा ट्राइंगल लेंगे एक्यूबी इज इक्वल टू एंगल एक्यूबी इज इक्वल टू 90 डिग्री बताइए इतना लिख रहा है यस सर. Angle ABB is equal to AQB is equal to 90 degree. ये हो गया. उसके बाद ये वाला angle भी तो equal given है. ये वाला ये और ये के line L जो है ये angle A को bisect कर रही है. तो मैं बोलूँगा कि angle PAB is equal to angle QAB.
एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन एल इज द कॉमन लाइन, कॉमन लाइन नहीं इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। और फिर मैं बोलूंगा कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन लाइन है, AB is equal to AB, ये क्या हो गया कॉमन साइड। बोलो जी समझ में आ गया। तो अगर मैं सिर्फ ट्राइंगल AEB की बात करूं तो मैंने क्या लिया, ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल और ये वाली साइड, तो एंगल एंगल साइड। अगर मैं ट्राइंगल AQB की बात करूं तो मैंने लिया ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल और ये वाली साइड, तो एंगल एंगल साइड। तो हमारा एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आते हैं। बताइए समझे समझे कि नहीं। यस सर, यस सर, यस सर। जी समझ गए? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए ठीक है भाई। अब इसमें ना ऐसे होता है कि एंगल बराबर बराबर वाले होने चाहिए, तो जैसे एंगल है फिर से एंगल और फिर से साइड, तो ये हो गया ये एंगल है, इस एंगल के बाद अगर मैं इस तरफ चलूं तो ये एंगल लाई कर रहा है, एंगल फिर से एंगल और फिर ये वाली साइड, ऐसे इधर देखूंगा तो ये एंगल है, फिर उसके बाद में यही एंगल है, ये वाला एंगल तो इस तरफ पड़ता है, तो एंगल एंगल और फिर से साइड। तो भाई ए ए एस, ए ए एस कॉन्ग्रुएंस criteria, triangle ABB is congruent to triangle AQB. Triangle ABB is congruent to triangle AQB. अब second part देखिएगा, ये तो prove हो गया। Second part में ये बोल रहे हैं, prove that BP is equal to BQ, ये प्रूव कर रहे हैं BP is equal to BQ, और B is equidistant from the arms of angle A, एंगल A की arms कौन सी हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली, तो यहां से BQ और BP ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, मुझे ये प्रूव करना है BP is equal to BQ, हम ये कहेंगे सिंस we have proved that triangle ABB is congruent to triangle AQB. It implies that pehla dusra alphabet AB, iska pehla dusra alphabet AQ. AP is equal to AQ. ठीक है? इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है? BP. और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है? BQ. ठीक है? इसका पहला तीसरा अल्फाबेट क्या है? AB, और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट क्या है? AB, AB. ठीक है, रीजन में लिखिएगा भाई CP, CP, और मुझे तो BP is equal to BQ प्रूव करना था, तो दस ये वाला आ गया हमारे पास, it implies that BP is equal to BQ प्रूव। बोलो भाई क्लियर है आदित्य? यस सर, यस सर। ओके चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर देखो ध्यान देना होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, जरा देखिएगा इधर करता हूं, नोट कर लिया तो सबने? यस सर, यस सर, ये तो सबने। चलिए बता रहा हूं फिर अपना अमी कितने गायब हो गया, अमी
मेरी आवाज नहीं आ रही इसको, उसको ऑन करके भाग गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में अक्षर। यस सर। अच्छा चलो तुम तो यहीं बैठे हो। अन्नी, अन्नी गया, अभी लगा रहा हूँ, घर पे फोन लगा रहा हूँ। अन्नी अभी के अभी, अभी लगा रहा हूँ घर पे फोन, अभी भी नहीं आया, इसका मतलब है ही नहीं, पक्का भाग गया। टाइम बताओ ना, टाइम क्या हो रहा है सर? 7:14। 7:15 हो रहे हैं। अन्नी हाँ सर। हाँ बेटा, कहाँ भागा था अभी? सर वॉशरूम गया था। हाँ ये ना झूठ बोलना सीख गए, वॉशरूम गया था। वीडियो गेम चल रहा होगा बाजू में पक्का? सर मम्मी यही है, मम्मी वीडियो गेम चल रहा है देखना। नहीं सर मेरे काम से गया था सर, किसी ने बैल बजा दी। चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है, तो ठीक है अब, ठीक है अब, ठीक है बेटा। विश्वास नहीं है ना तुम पे, इसलिए पूछना पड़ता है। बहुत बदमाशी दिलाता है यानी। चलो अन्नी स्कूल की क्लास तो कर रहे हो ना कायदे से, या वहां वीडियो गेम चल रहा है? नहीं सर। नहीं कर रहे कायदे से? देख लो मान गया। नहीं सॉरी सॉरी। अच्छा मतलब कर रहे हो, ओके चलो जी ठीक है। इन फिगर 7.21 इसमें फिगर दे रखी है, तो फिगर बनाते हैं जरा ध्यान से। ए बी सी और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये ऊपर तक दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं। यस सर दिख रहा है। ठीक है और फिर A B C D, A B C D और ऊपर है E, ऊपर है E। अच्छा और ये A B और A D ये इक्वल दे रखा है, और ये वाला एंगल एंगल बी ए डी और दूसरा एंगल एंगल सी ए ई ये भी इक्वल दे रखा है, और ए सी और ए ई ये इक्वल दे रखा है। चलिए जी ये सब कुछ इक्वल दे रखा है, इन्होंने बोला फिगर 7.21 में ए सी इज इक्वल टू ए ई। ये ए सी ई एक अलग ट्राइंगल मान लीजिए, देखिए ये है ए सी ई, तो इसमें ए सी और ए ई ये इक्वल दे रखा है। दूसरा एक ट्राइंगल है ए बी डी, तो इसमें ए बी और ए डी ये दोनों साइड इक्वल दे रखे हैं, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। अब मुझे प्रूव करना है, शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। मुझे ये शो कर रहा है कि ये जो BC है ना लेंथ, ये वाली BC और ये वाली जो लेंथ है DE, ये दोनों की दोनों इक्वल है। मुझे ये शो कर रहा है BC is equal to DE। तो अब सवाल ये उठता है कि BC कौन से ट्रायंगल में लाई करता है, ये बताओ जरा। सर ट्रायंगल ABC। बिल्कुल सही, BC जो है ये लाई करेगा ट्रायंगल ABC में। अच्छा DE ये कौन से ट्रायंगल में लाई करता है? ADE। ये लाई करता है ADE में। ठीक, तो अब हमारा एक काम तो हो रहा है यहां से सॉल्व, ए ए B
बी सी अगर ये ट्राइंगल ले लेता हूँ तो इसमें ये वाली साइड है ए बी और ए डी ई इसमें ये वाली साइड है ए डी तो ए बी और ए डी इक्वल आ गए। फिर दूसरा देखते हैं ए बी सी में एक ये वाली साइड है ए सी और ए डी ई में एक ये वाली साइड है ए ई तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई। तो अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो एक तो मैंने ली ए बी साइड और एक मैंने ली ए सी साइड, ए बी और ए सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो इससे यहां तक बन रहा है, यहां तक ये पूरा एंगल बन रहा है। तो ये बीच वाला जो एंगल है ना बेटा इसको मान लो एक्स, मैंने एक्स लिखा है बीच में दिखाई दे रहा सभी को? यस सर, यस सर। बीच में एक्स लिखा है इस एंगल को एक्स मान लो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं दूसरे ट्राइंगल की ए बी ई की तो इसमें ये वाली साइड है ए डी और ये वाली साइड है ए ई तो ए डी और ए ई के बीच वाला जो एंगल है पूरा ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा दिस एंगल प्लस एक्स मतलब ये पूरा एंगल चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे कि इन्होंने दे रखा है मुझे ये वन एंगल डी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई ये हो गया। दोनों तरफ एक्स ऐड कर दीजिए एड एक्स ऑन बोथ साइड्स एंगल बी ए डी प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल सी ए ई प्लस एक्स। हमारे को अगर कोई दो टर्म्स इक्वल दे रखी है तो दोनों तरफ मैं सेम टर्म सेम टर्म ऐड कर सकता हूँ। Yes, sir. तो जरा देखो एंगल बी ए डी प्लस एक्स एंगल बी ए डी मतलब ये वाला प्लस एक्स ये क्या बन गया ये पूरा एंगल तो एंगल बी ए सी बन गया ये पूरा। इस एंगल में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना सी ए ई प्लस एक्स सी ए ई यानी कि ये वाला एंगल प्लस एक्स ये क्या बन जाएगा ये पूरा एंगल बन जाएगा ये वाला बी ए ई ये पूरा एंगल एंगल डी ए ई। ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ? यस सर, यस सर। नहीं आया अनिकेत दोबारा बताओ? बस सर एक बार और समझा दो। दोबारा से समझो क्वेश्चन में दे रखा है मुझे कि बी ए डी ये वाला एंगल और सी ए ई ये वाला एंगल ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। अब मैंने देखा कि यहाँ पर इन दोनों इस एंगल के और इस एंगल के बीच में एंगल एक्स वाई कर रहा है तो मैंने कहा कि चलो दोनों तरफ एक्स ऐड कर देता हूँ। दोनों तरफ एक्स ऐड कर दिया तो जब मैं इस वाले एंगल में एक्स ऐड करूंगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा यहां से यहां तक पूरा एंगल बन जाएगा। हाँ सर। और ये पूरा एंगल क्या होगा बी ए सी ये पूरा एंगल ये बन जाएगा बी ए सी मतलब ट्राइंगल ए बी सी का ये वाला एंगल बी ए सी समझ गए। तो बी ए डी बी ए सी ठीक है आगे चलता हूं मैं। अब है ट्राइंगल एंगल सी ए एंगल सी ए ई मतलब ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल में सिर्फ इतना एंगल ये एक्स ऐड कर दू तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एंगल बन जाएगा। अगर इतने एंगल में इतना सा एंगल ऐड कर दे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। ये पूरा एंगल क्या है डी ए ई मतलब ट्राइंगल ए डी ई का ये वाला एंगल पूरा डी ए ई वही लिखा है बताइए क्लियर है? यस सर, यस सर। इसको हाँ जी इसको बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर वन न्यासा प्रोजेक्ट का तुम बताओ। यस सर क्लियर है। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है? नो सर, नो सर। ठीक है ठीक है। अच्छा अब हम कहेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी एंड ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी ई
तो ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी और ट्रायंगल एडी में साइड एडी, एबी इज इक्वल टू एडी है। फिर उसके बाद ट्रायंगल एबीसी में ये वाला एंगल, ये जो पूरा अभी टू करा बीएसी, एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल डीएई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल डीएई हो गया। बीएसी यहां तक और डीएई ये पूरा कर दो, ये हो गया। उसके बाद फिर अगला अगला मैं कहूंगा कि ट्रायंगल एबीसी में ये फंक्शन है एसी इज इक्वल टू एई। यहां से क्या समझ में आता है कि अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल एबीसी की बात करूं तो साइड एबी, साइड एसी, साइड एबी, साइड एसी और दोनों के बीच का एंगल बीएसी। अगर मैं ट्रायंगल एडीई की बात करूं, एडीई की, तो साइड एडी, साइड एई और दोनों के बीच का एंगल बीएई, बीए। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस राइट हो गया। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। यस। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर देयरफॉर by SAS side angle side congruence criteria by side angle side congruence criteria by side angle side congruence criteria triangle ABC is congruent to triangle ADE, is congruent to triangle ADE। एक तो ये चीज प्रूव हो गई, पर ये तो मुझे करना नहीं था। मुझे क्या शो करना था यहाँ पर, मुझे शो करना था कि BC DE के इक्वल है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, पहला दूसरा अल्फाबेट AB और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AD, सेमी कॉलन, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट DE, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AC और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AE। BC इज इक्वल टू DE, ये चीज मुझे प्रूव कर दी थी, ये हो गया। और रीजन क्या है यहाँ पर, बाई CPCT, BC is equal to DE, बताइए जी समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes sir। Yes sir। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये आप करना होमवर्क में, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो या कोई एक दो पार्ट में प्रॉब्लम आए किसी ने तो मेरे से पूछना। सर कल क्लास है? नहीं कल कोई क्लास नहीं है, कल की छुट्टी। सर एक चीज अभी टाइम बचा है थोड़ा सा, सर एक बार अंडर रूट 7 स्पाइरल मेथड से समझा दो। अंडर रूट 7 स्पाइरल मेथड से? अच्छा देखो क्या होता है सर, वो ही नहीं बनता बाकी तो सारे, मतलब 6 तक नहीं बनते मेरे, मतलब 6 से पहले के बन जाते हैं, 6 के बाद नहीं बनते। अरे बन जाएगा, ये देखो यहाँ पर मैंने कहा कि ये वाली साइड है 1, मैंने इसको 0 मान लिया और ये लेंथ मैंने ले ली 1 यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर की एक लाइन और बनाओ या 1 इंच की लाइन बना लो, तो ये वाली लेंथ भी बन हो गई, तो ये कितना बन जाएगा रूट टू, ठीक है। फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री की लाइन बना लो और 1 की बनाना बस 1 सेंटीमीटर की, तो रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये जो बनेगी ये बन जाएगी रूट 3। फिर क्या करो यहाँ पर बना लो एक 1 सेंटीमीटर की फिर से या 1 इंच की, तो रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये हो गया रूट 4। फिर यहाँ पर बनाओ 1 की, समझ रहे हो या मैं वैसे ही बता रहा हूँ?
नहीं सर समझ तो रहा हूँ सर, मेरे को ये तो बन मेरा बन तो जाता है, पर वो जो लाइन है ना जो हम कंपास से खींचते हैं वो हाँ। नहीं एक्सटेंड हो रही मेरी। भाई करके देखो प्रैक्टिस से होगा ये वाला। सर जैसे मैंने सर मैंने आपको टेस्ट में भेजा था तो मेरी लाइन वो एक्सटेंड ही नहीं हुई थी आगे तक, आपने देखा भी था। काम करो ना सुनो, कंपास से मत बनाओ ना, कंपास से क्या बना रहे हो आप, इसको प्रोटेक्टर यूज करो ना। नहीं प्रोटेक्टर से बना दिया फिर कंपास से हमें लाइन भी तो खींचनी है अंडर रूट नंबर लाइन पे दिखाने के लिए। अरे किसने बोला कंपास से खींचनी है, स्केल और प्रोटेक्टर यूज करो। सर वो कैसे, आपने बोला था सर जीरो पॉइंट पे। मेरी बात सुनो, सिर्फ रूट सेवन बनाना है ना। हाँ तो पहले देखो मैं यहाँ रूट फाइव तक पहुंच गया, ये हो गया रूट फाइव, फिर यहाँ से वन का बनाओ तो ये कितना हो गया रूट सिक्स, फिर यहाँ से एक और वन का बनाओ ये कितना हो गया रूट सेवन। अब क्या करो, यहां पर कंपास रखो, ये लाइन ऐसे खींच लो, यहां पर कंपास रखो और यहां तक की लेंथ इसमें मेजर करके और फिर ऐसे आप लाइन खींच लीजिए, ऐसे एक कर्व बना दो, ये हो जाएगा रूट सेवन। ठीक है सर। सर आपने हमें टेस्ट में बोला था अंडर रूट सेवन तक बनाना है, तो सर जो मेरा अंडर रूट फाइव तक तो बन गए थे, मतलब पहले अंडर रूट वन टू थ्री मतलब टू थ्री, फिर ना जो अंडर रूट सेवन था वो अंडर रूट फाइव के पीछे आ रहा था। वो फिर कुछ गलती हुई होगी, तुमसे दोबारा चेक करना है एक बार, प्लेन पेपर पे सफाई से बनाकर देखना है एक बार मेरे। ठीक है सर, एक बार मैं ट्राई करना। कल की छुट्टी है और दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन, ये आप लोग करिएगा। थैंक यू सर। ठीक है ओके, थैंक यू सर। Okay. Thank you.